एंड वेलकम टू आवर चैनल पेंडस टीवी। मैं हूं शिल्पा यास्मीन यानी कि एस वाई और रजा मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आपको बिल्कुल नजर आ रही हैं। पहले हम रजा से मिलेंगे और फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज रजा क्या बताएंगी? आज थोड़ा सा हमें स्टाइल की तरफ चलेंगे और ओपन हेयर में क्रीपिंग करके दिखाएंगे। अच्छा, क्रीपिंग बहुत सारी यंगस्टर लड़कियों में बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है और अच्छा भी लगता है। एक सिंपल सा स्टाइल होता है, लेकिन ये कि जिनके हल्के बाल हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि जब कोई स्टाइल बनाना होता है और बहुत पतले बाल हैं, बारीक बाल हैं, तो हम लोग ना क्रिपिंग के ज़रिए पहले उसे क्रिपिंग करते हैं, उसके बाद मतलब बैक कॉमी वगैरह दे देते हैं। अच्छा। तो उससे उनका काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी रजा अपने शोज़ में जो है वो डिस्कस करती रहती हैं आप लोगों के साथ। सिंगार विद रजा का सेगमेंट जो है वो आप देख रहे हैं और कंटिन्यूसली देख रहे हैं जब से चैनल बना है, और इंशाल्लाह देखते भी रहेंगे। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। और उसके साथ साथ आप रजा के मज़ीद जो प्रीवियस शोज़ हैं वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ आपको मेकअप नहीं बताया गया, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो सीखना चाहती हैं उनके लिए बहुत कुछ इस सेगमेंट में मौजूद है। तो उसके लिए आपको करना सिंपल सा एक काम है, ऊपर प्लेलिस्ट है उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर सिंगार विद रजा का फोल्डर है, बस उसमें चले जाइएगा, आपको रजा के तमाम शोज़ जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा रजा, हम काम शुरू कर दें? बिल्कुल काम शुरू कर दें, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ। थोड़े थोड़े बाल लेके उसमें क्रीपिंग की जाती है। अच्छा। और देखिएगा कैसा लगता है। चलिए जी, हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक एक स्टेप दिखाते हैं कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। जी अच्छा शुगुफ्ता, पहले हम पार्टिंग करेंगे। ठीक है। हमारे मॉडल आज जो है वो मक्खियाँ हैं, और मक्खिया के बालों पे हम करेंगे क्रीपिंग। और देखें बाल ऑलरेडी इसके बहुत स्ट्रेट हैं, वैसे तो क्योंकि शौक की बात होती है, बहुत सारे स्टाइल्स ऐसे होते हैं या कुछ ड्रेसिंग ऐसी होती है कि हम लोग इस तरह स्टाइल देते हैं कि एक बड़ा फंकी सा, बड़ा स्टाइलिश सा भी लुक आ जाए बालों की। और वैसे ये क्रीपिंग ज़्यादातर बहुत थिनिंग हेयर के लिए बेहतरीन होती है, तो उसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि कभी स्टाइल में हम लोग क्रीपिंग करते हैं, कभी हम ओपन हेयर में करते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जितने बाल आपके कम से कम में आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़े थोड़े बालों में मैं इस बार स्टार्ट लूँगी। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल थोड़े थोड़े बालों में लेके चलें, इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, इसको अच्छी तरह हॉट होना चाहिए, आई मीन के जितना ये गर्म होगी उतना ही अच्छे क्लिपिंग्स बनेंगे। ये देखिए, और मैंने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने इसको शुरू करना शुरू किया है, इसको हल्का हल्का बस प्रेस करना है। अच्छा मज़े की बात शगुफ्ता, इसको आप इजीली घर में भी कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियों को शौक होता है इसका, कोई मतलब इतना ये कि बस ख्याल रखेंगे बालों को, बहुत देर तक आपने इसको होल्ड करके नहीं रखना, बिल्कुल आपने स्लाइटली जैसे मैं हल्का हल्का बस प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद फ़ौरन खोल रही हूँ। ये देखिए इसके क्लिपिंग्स कितने अच्छे बनते चले जा रहे हैं। मसला इसलिए नहीं होता कि बाल जो है आपके उलझते नहीं हैं, इसमें उलझाऊ नहीं होना चाहिए। अगर बाल उलझेंगे तो आपकी वो ब्यूटी जो एक आनी चाहिए वो ब्यूटी नहीं आएगी। वही थोड़े थोड़े बाल जैसे हमने पहले स्टार्ट लिया था, हम उसी तरह स्टार्ट लेंगे। ये आप ये चेक करते रहें कि इसमें कहीं पे भी आयरन जो है आपकी
ऑन होनी चाहिए, कहीं पे भी अगर ऑफ़ हो जाती है और आप ख्याल ना करें तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको। जी तो आपने देखा कि क्लिपिंग कितनी अच्छी हुई है और इतने मज़े के ये बाल लग रहे हैं। अच्छा रिचा, ज़रा से इन बालों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल तो ये काफ़ी इन हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोगों के बाल बहुत थिन होते हैं, हम लोग ब्राइड्स के भी जो होते हैं देखते हैं बाल अगर कम है तो थोड़ा सा क्लिपिंग कर देते हैं, उससे ये है कि बालों का स्टाइल बन जाता है और बहुत अच्छा स्टाइल बन जाता है। इसी तरह ओपन हेयर में इस तरह की एज की जितनी भी बच्चियां होती हैं वो बहुत शौक़ से क्लिपिंग करवाती हैं और ख़ासतौर पे बाहर अब्रॉड में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर भी यहाँ कर्ल्स वगैरह और साथ क्लिपिंग पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा फैशन था, लेकिन स्टिल अभी भी क्लिपिंग बहुत की जाती है। हाँ, और उसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जी बाल जो है वो सरफेस ज़रा कम होते हैं और क्लिपिंग से ज़रा से एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं तो लुक भी बड़ी अच्छी आ रही होती है, स्टाइलिश लुक होती है। अच्छा रजा, याद है 90s में जो है, मैं अगर लेट 90s की बात कर लूँ तो उस वक्त चोटियाँ डाल के ये बाल बन, क्योंकि उस वक्त ये वाली चीज़ थी कस कस की चोटियाँ। आपको याद होगा कि एक दफ़ा आप जब मीना बाजार का प्रोग्राम करती थी PTV से, तो उस ज़माने में मैंने एक गेटअप दिखाया था पमिंग का, तो मैंने उसमें ना बहुत सारे जो निग्रो कल्स दिखाए थे कि किस तरह जो है पमिंग की जाती, टाइट हमने कल्स डाले थे, आपने पूरी रात उसको रखा था क्योंकि सुबह हमें मीना बाज़ार की शूट के लिए जाना था। हाँ, तो मीना बाज़ार जो था ये PTV का मॉर्निंग शो था जो मैं कर रही थी, रिजा ने उसमें मुख्तलिफ दौर के स्टाइल्स दिखाए थे और ये चैनल्स पर फर्स्ट टाइम हुआ था जिसमें हमने लाइव कैटवॉक्स भी करवाई थी, और यकीन माने 200 से ऊपर क्लिप्स थी मेरे बालों पे और बाल मेरे उस पर लंबे थे, लंबे थे काफी, और वो जब कर्ल हुए तो वो तो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। अगर आपके पास पिक हो तो वो ज़रूर इसमें दिखाइएगा, क्योंकि पिक वो लाजिम बात है, क्योंकि वो एक इवेंट ऐसा था, क्योंकि मैंने शायद उसमें 70, 80, 90 का हमने दौर दिखाया था, तो आपकी जो 3 दिन की जो ग्रूमिंग थी उसके लिहाज से जो ड्रेसिंग चल रही थी, जो बालों का स्टाइल था, वो सब हमने उसमें मैंशन किया था, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो उस ज़माने में। और पिक्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो पिक्स भी आप देखिएगा और देखिएगा कि काम कितना मुश्किल था। प्रोग्राम तो अच्छा था लेकिन रजा का काम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोगों ने ये बोला ये इतने छोटे बाल हो कैसे गए, रात भर मेहनत हुई थी और उसके बाद एक रिज़ल्ट सामने आया था। बहरहाल रजा हमेशा ही मेहनत करती हैं, चाहे वो मॉडल के मेकअप के ऊपर हो, ब्राइड के मेकअप के ऊपर हो, या किसी शूट से रिलेटेड हो, क्योंकि वो चाहती हैं कि एक परफेक्ट लुक जो है वो आए। और इनकी तस्वीरों में आपको फोटोशॉप ज़रा कम नज़र आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ को बेहतर करना ज़्यादा समझती हैं, अच्छा है। तो ये क्वालिटी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। रजा थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका भी, इतना अच्छा सा आपने एक स्टाइल जो है वो बता दिया और इन पर सूट भी कर रहा है। चलिए जी, यहाँ पर अब शिकफा यास्मीन यानी कि SY और रजा को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।